जी आप यूरोप के कंट्री में जाओ वहाँ कोई स्किल्ड ले लो जैसे इंटर्नशिप वीज़ा जर्मनी में निकलते हैं नीदरलैंड में निकलते हैं इधर स्वीडन में हैं नॉर्वे में हैं अपने एग्रीकल्चर में काफ़ी वीज़ा निकलते हैं जर्मनी नीदरलैंड तो बच्चों को चाहिए कि उन कंट्रियों में निकल जाए इस पर इंटर्नशिप वीज़ा पे, वीजा पे और धीरे धीरे काम करते करते सीख जाए या तो वहीं पे वर्क परमिट मिल जाएगा अदरवाइज वो किसी भी कंट्री में वर्क परमिट लेना चाहेंगे जैसे पिगरी है पिग्स फार्म पे काफ़ी इंटर्नशिप आती हैं डेयरी है, है दूध की तो डेयरी में काफ़ी इंटर्नशिप आती हैं होटल मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा स्कोप है तो एक बार यूरोप निकल जाए जहाँ इजी है जाना वहाँ एक्सपीरियंस ले ले उसके बाद अच्छे कंट्री में फिर ट्रांसफर कर ले अच्छा ये है कि कुछ वीजा ऐसे हैं जैसे वर्क वीजा हैं कुछ वर्क ऐसे हैं जहाँ आइल्स का लेवल चार बैंड में भी काम चल जाता है जैसे एक हेल्थ में स्पोर्ट केयर वर्कर होते हैं हेल्थ केयर में तो वो अगर चार बैंड का भी है तो उसको कंसीडर करते हैं वो बी वन लेवल का आप जो कंपनी चलाते हैं जो वर्क वीजा भी लगवाती है वर्क वीजा नहीं लगवाते हम बेसिकली तो स्टडी वीजा का काम करते हैं लेकिन हम एडवाइज करते हैं वर्क वीजा के लिए कि ये ये स्कोप है जैसे अभी जर्मनी में होटल मैनेजमेंट की वैकेंसीज हैं हमारे पास तो हम बच्चों को जर्मनी में भेज सकते हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हो हमारे पास रेस्टोरेंट में वैकेंसीज हैं हम उसमें कंसल्टेंसी देते हैं उनको गाइड करते हैं okay. कि भाई आज ये स्कोप है हुँ. जैसे बच्चे का पता लग गया भाई इस बच्चे ने होटल मैनेजमेंट किया है हुँ. तो हम उसको जर्मनी में इजिली सेटल कर सकते हैं वर्क परमिट पर और एक बार इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के बाद हुँ. उसको हमारी एडवाइस की जरूरत नहीं रहती जी तो आपसे कैसे संपर्क रहे हैं जो यूरोपियन कंट्री में जाना चाहें तो जा एक साल का नहीं पंद्रह लाख रुपए पढ़ाई का पाँच एक लाख रुपए उसका रेंटल लगा लो पांच एक लाख रुपए वो जो ट्रैवलिंग और जेब खर्ची कह लो या खाने का कह लो इतना बच्चा ट्वेंटी आर का वर्क परमिट मिलता है तो उसमें कमा लेता है या कुछ छुट्टियों में कमा लिया इस तरीके से बच्चा कुछ खर्चा निकाल लेता है कि, कितना कमा लेता है वो जो 20 वर्क घंटे मिलते हैं हाँ। उसमें कितना कमा लेता है मैक्सिमम दस पाउंड घंटे के अगर हम मान के चले एक तो कंप्यूटर से एक ऐसा फील्ड है जिसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा हमारे बच्चे वहाँ आई में जा सकते हैं फिजिक्स टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स मैथ टीचर्स ये तीन तो ऐसे टीचिंग प्रोफेशन हैं जिसकी पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज है इंग्लैंड में भारतीयों के लिए नौकरी में क्या अवसर हैं कैसे हम इंग्लैंड पढ़ाई के लिए जा सकते हैं कैसे हम वहाँ काम करने के लिए जा सकते हैं वर्क वीज़ा कैसे लग सकता है इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई के साथ हमारे बच्चे कितना कमाते हैं वर्क वीज़ा पर जो जाते हैं उनको अमूमन कितनी सैलरी मिलती है किस किस लेवल के लोगों को वहाँ वर्क वीज़ा मिल जाता है वहाँ की कंपनियाँ ऑफर करती हैं पूरा प्रोसेस क्या है यानी कि आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के जरिए या वर्क वीज़ा के ज़रिए तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे साथ हैं सज्जन देसवाल जी इंग्लैंड में रहते हैं मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं तो सबसे पहले सज्जन जी की जो सक्सेस स्टोरी है हरियाणा की माटी में किसान परिवार में जन्मे और इंग्लैंड में जाकर वहाँ एक बड़ा इंडस्ट्री में एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया है वहाँ स्कूल हैं कॉलेज हैं उनको रन करते हैं तो इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे और इंग्लैंड में आपके लिए क्या अवसर हैं भारतीयों के लिए उसके बारे में विस्तार से जानेंगे आप वीडियो शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें मैं आपका दोस्त करमपाल अब बात करते हैं तो सबसे पहले नमस्कार आपको नमस्कार जी करमपाल जी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार मैं तो बड़ा प्रभावित हूँ कि आप भी छोटे से शहर से अपने चैनल को इतना आगे बढ़ा रहे हो डे टू डे लाइक्स हम देखते हैं और आपका इतना ध्यान भी रहता है कि हमारे गांव के देहात के शहर के लोग कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या कर रहे हैं आप उनको ढूंढ़ी लेते हो <laughs> जी, तो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए अपना कौन सा गांव है कहाँ जन्म हुआ कैसे आपका सफ़र और इंग्लैंड तक कैसे पहुँचे मेरा गांव गांगोली है जीन डिस्ट्रिक्ट में ए, ए, एक छोटा सा गांव है किसान परिवार में पैदा हुए और बस ये तो जनून या काम जहाँ दाना पानी लिखा होता है धीरे धीरे धक्के खाते खाते हम भी पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद हमने हरियाणा एसोसिएशन बनाई ताकि हरियाणा के लोग आपस में मिलें जुलें मिलजुल कर रहें कितनी उम्र में कब गए थे इंग्लैंड आप मैं 2012 में इंग्लैंड गया था एज ए इंटरप्र वीजा ना आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन तो मैंने वहीं का पासपोर्ट ले लिया अच्छा अब तो पहली बार तो जब मैं इंडिया आया तो मुझे इंडिया का वीजा लेना था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे भी कि मैं अपने देश ही जा रहा हूं और वीजा भी लेना पड़ता है कभी इंग्लैंड का वीजे के लिए तरसते थे।, थे फिर इंडिया के वीजे के लिए भाग दौड़ करी लेकिन अब मैंने ओ कार्ड बनवा लिया तो आई कैन कम एट एनी टाइम जब चाहे आ सकते हैं जब चाहे है। जा सकते हैं तो कैसा सक्सेस स्टोरी रही आपकी आपकी यात्रा के बारे में बताइए वहाँ की वहाँ तो की तो जो सोसाइटी है वो बहुत ही टॉलिटेबल सोसाइटी है वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लियर है कि आपको ये ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपका ये काम हो जाएगा जी, जैसे हमने कॉलेज बनाया तो हमें आइडिया वहाँ पता लगे कि भाई कॉलेज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप वो डॉक्यूमेंट तैयार करो ऑनलाइन अप्लाई कर दो ना आपको किसी के दफ्तर के चक्कर काटने हैं प्रॉपर तो आपकी इंस्पेक्शन होएगी आप सही काम कर रहे हैं तो ठीक है नहीं काम करें तो आपको मौका दिया जाएगा आपको गाइड किया जाएगा कि इस काम को इस तरीके से करो जी वहाँ का काम करने का तरीका काफ़ी ठीक है जी। रही बात इंडियन स्टूडेंट्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सबसे पहले ये बताइए किस शहर में है आपका कॉलेज और स्कूल भी आप रन करते हैं हाँ वो इम्पीरिया कॉलेज के नाम से लुटन में मैं चलाता हूँ और हमारा लंदन में एक ट्यूशन सेंटर भी है जहाँ दसवीं बारहवीं के या इलेवन प्लस एक वहाँ स्टडी होती है उसका पढ़ाई करवाते हैं जैसे यहाँ अपने इंडिया में ट्यूशन सेंटर होते हैं ऐसा एक ट्यूशन सेंटर भी हमारा ईस्ट लंदन में है ओके और वो एम्पीरियल कॉलेज है वो भी लूटन में है एम्पीरिया कॉलेज लूटन है लूटन एक छोटा सा शहर है लंदन के नॉर्थ साइड में जी वहाँ पे है हमारा एम्पीरिया कॉलेज ओके ठीक है ये तो आपकी वहाँ की सक्सेस स्टोरी हो गई अब थोड़ा ये बताइए कि जो भारतीय बच्चे हैं पहले हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करेंगे फिर वर्क वीजा के बारे में बात करेंगे जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ जाना चाहते हैं तो किस तरह की पढ़ाई है कितना खर्चा आ जाता है देखो स्टूडेंट वीज़ा पे जो बच्चा जाना चाहता है ए, या तो मास्टर डिग्री में जाएगा या बैचलर डिग्री में जाएगा और स्कूल में भी बच्चे जाते हैं वहाँ पे बेटर कौन सा रहता है कब जाए बच्चा देखो ये डिपेंड करता है टोटली फाइनेंशियल सरकम ऑफ पेरेंट्स जी अगर आप सोचें जितनी भी अलीट लेवल है जो वर्ल्ड क्लास का जितने दुनिया में किंग्स हैं या जो हाई लेवल के हाई प्रोफाइल्स पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं उनका बच्चा लगभग पाँचवीं छठी क्लास में वहाँ से स्कूलिंग करता है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है क्योंकि वहाँ के प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं इंडिया के हिसाब से तो काफ़ी महंगे हैं तीस चालीस लाख इंडियन रुपीज लग जाते हैं लेकिन उसके बाद भी हाँ बच्चे जाते हैं हिसार का है एक बच्चा वो सेवन्थ क्लास से वहाँ गया रोहतक का एक बच्चा है वो फोर्थ क्लास से वहाँ गया तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं हरियाणा के जो चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं में चले जाते हैं तो स्कूलिंग का भी स्कोप है लेकिन अगेन ये डिपेंड करते हैं आम घरों का बच्चा जाता है जी प्लस टू करने के बाद प्लस टू करने के बाद भी दो टाइप के बच्चे जाते हैं एक बच्चा जाता है जिसकी पेरेंट्स की कैपेसिटी ठीक है उसको पता है कि साल की पंद्रह लाख बीस लाख रुपए फीस है और उसके पास एक तीन साल का बजट होता है बच्चे को पढ़ाने के लिए और वो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढने की कोशिश करता है दूसरा कुछ बच्चे इतने मिसगाइडेड हैं अपने खासकर हरियाणा में उनको ऐसा लगता है कि वो इंग्लैंड पहुँच जाएंगे बस छः महीने की फ़ीस यहाँ से पे करके जाएँ और जाते ही वहाँ वो फ़ीस भी कमाएँगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भर देंगे घर वालों से कर्जा लेके गए हैं वो पैसे भी भर देंगे ऐसे बच्चे हरियाणा के बहुत ज़्यादा हैं और हमने काफ़ी बच्चों को समझाने की कोशिश भी की जैसे मेरे पास मिलने आते हैं लोग या फ़ोन करते हैं कि भाई साहब इस बच्चे का वहाँ एडमिशन करवा दो तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्या कैपेसिटी है ये तीन साल वहाँ कोर्स करेगा इसका इतना खर्चा आएगा तो कहते नहीं नहीं जी वो हमारा इसका दोस्त जा रहा वो तो दो लाख रुपए महीना घर भेजता है तो मुझे तो लगता नहीं कि इंग्लैंड में कोई ऐसा जादू का चिराग है कि बच्चा वो जाएगा और जाते ही वो इतने पैसे भेजने लग जाएगा क्योंकि फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए जी। फिर वो कहता है जी नहीं वो एजेंट ये बता रहा था मैंने उस एजेंट से वो बात की तो फिर मैं थक के यही कहता हूँ क्योंकि कन्विंस तो मैं उसको नहीं कर पाता ऐसे बच्चे को ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उसके बाद वो आए भी हैं इंग्लैंड जैसे मेरे पास आए मिलने कभी मैं इंडिया आया हुआ होता हूँ तो आए के पूछेंगे जी मुझे इंग्लैंड जाना है मैं उनको बताऊँगा जी ये तरीका है कि वहाँ साल का इतना खर्चा है आपकी तीन साल की ये कैपेसिटी होनी चाहिए तो कहते नहीं जी आप तो गलत बता रहे हो वहां तो एक पैकेज मिलता है पैसे भी नहीं दिखाने और पैकेज वो एजेंट दिखाएगा पैसे भी तो वो बच्चे यहाँ से तीन महीने छः महीने की फीस एजेंट भर देता है वहाँ जाके वो कहते हैं कि जी मुझे काम करना है क्योंकि उसका माइंड सेट ही काम करने का है जी। तो वो काम करने लग जाता है यूनिवर्सिटी वाले उसको यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं एक्चुअल वास्तविकता क्या है मतलब कितना खर्चा जाता है एक बच्चा पढ़ाई के लिए जाए तो एक साल का खर्च जो प्लस टू के बाद है बीस लाख रुपए टोटल खर्च उसका अगर घर की कैपेसिटी बीस लाख नहीं है हाँ। तो मैं नहीं एडवाइज़ करता कि वो बच्चा स्टडी वीजा पे जाए बीस लाख सिर्फ पढ़ाई का खर्चा एक साल का नहीं पंद्रह लाख रुपए पढ़ाई का पाँच एक लाख रुपए उसके रेंटल लगा लो पाँच एक लाख रुपए वो जो ट्रेवलिंग और

यूनिवर्सिटी जाएगा तो भी किराया लगेगा तो वो ट्रेवलिंग जो कॉस्ट है वो प्लस खाने पीने का।, खाने का, का रहने का कोई बच्चा अच्छी जॉब मिल जाए तो वो रहने का भी निकाल सकता है तो वो यूनिवर्सिटी फीस भी यूनिवर्सिटी फीस तो ये मान के चलो कि जो यहाँ से अफोर्ड नहीं कर सकता हाँ। वो बच्चा हंड्रेड परसेंट इलीगल होगा और ऐसे हजारों बच्चे हरियाणा के इलीगल हो चुके हैं जब उनको पहले अगर किसी बच्चे को ये समझाएं तो उसको समझ में नहीं आती वहाँ जाके जब इलीगल हो जाते हैं फिर पूछते हैं कि भाई साहब कोई रास्ता बताओ फिर रास्ता बचता नहीं जब एक बच्चा इलीगल हो गया जी। फिर कहते हैं जी के यहाँ के जी वहाँ इलीगल होने में ही फायदा है क्योंकि इंग्लैंड पक्का नहीं करता इंग्लैंड एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ से ईजी किसी कंट्री में पक्का होना नहीं है अच्छा हाँ जी कितने साल में पक्का होता है वैसे देखो अम... दो रूट हैं उसमें आज की डेट में एक है कि जब आप वर्क परमिट पे हैं अगर आप पाँच साल वर्क परमिट पे रहे तो वो आपको एलिजिबल कर देते हैं आप पक्के हो गए जी आप आई के लिए एलिजिबल है आप डाल देंगे आपको आई मिल जाएगी जो बच्चे मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं अपने तीन साल की उनको कितने साल का वर्क वीजा मिलता है आगे जो बच्चा तीन साल की बैचलर डिग्री या एक साल की मास्टर डिग्री करता है उनको दो साल का P.S.W. बोलते हैं उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पी एस डब्ल्यू पी तो उनको पी एस डब्ल्यू मिलता है दो साल का जी. तो दो साल वो P.S.W. पे रहेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको कोई ना कोई स्पॉन्सर कर देगा और वो वर्क परमिट पर चले जाएंगे जी. अगर हम टोटल अगर कोई आदमी इलीगल ना रहे हुँ. और दस साल इंग्लैंड में हो जाए हुँ. तो वो आई के लिए एलिजिबल है ओके. और कोई बच्चा पांच साल वर्क परमिट पे रह जाए तो वो आई के लिए एलिजिबल है जी। बच्चों को जैसे यहाँ से बच्चा बहुत सारा बच्चा झूठ बोल के जाता है उसके नीयत है काम करने की तो मैं तो उसको ये पूछता हूँ कि बेटा अगर आप झूठ बोल के जाओगे किसी कंट्री में आपको करना काम है आप ले रहे हो स्टडी वीजा फिर कहते हो इंग्लैंड पक्का नहीं करता तो इंग्लैंड क्यों पक्का करे यू आर ए क्रिमिनल यू आर लॉयर यू आर टेलिंग लाई टू देम अगर उनको पहले ही आप झूठ बोल के जाओगे आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो अगर आपको काम करना है तो आप वर्क वीजा लो वर्क वीजा लो और ए, लीगली वर्क वीज़ा पे जाओ पांच साल काम करो और पक्के हो जाओ ऐसे कितने बच्चे अपने हरियाणा के पक्के हैं वहाँ पे जो खासकर कंप्यूटर्स में हैं फाइनेंस में हैं हमारे हरियाणा के बड़े सक्सेस बच्चे हैं वहाँ पे जी। ए, कुछ ए, लेकिन ये बेल्ट है जो ज़्यादातर काम करने वाले लोग हैं जो वर्क वीजा पे प्रॉपर गए जैसे रोहतक के मिल जाएंगे आपको हिसार के मिल जाएंगे गुड़गावा के फरीदाबाद के सोनीपत के लेकिन जैसे जैसे हम इस बेल्ट में आते हैं जींद कैथल करनाल सिरसा इस बेल्ट के बच्चे को गाइडेंस ही नहीं है।, नहीं है हाँ वो बच्चा तो जाते ही यूनिवर्सिटी जाने के बजाय किसी बिल्डर के पास चला जाएगा और वो बच्चे वो बिल्डर कोई इलीगल बच्चे को सत्तर अस्सी पाउंड डेली के देगा तो उनकी कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे फिर वो आएंगे भी कि जी हमें ये बताया था हमें एजेंट ने ये बताया था अब हमें नहीं पता जब एजेंट बताता है तब वो प्रैक्टिकल ज्ञान लेना नहीं चाहते जब वहाँ फंस जाते हैं फिर वो पूछते घूमते हैं जी ऐसा बताया था और हम प्रैक्टिकल अगर बताते भी हैं जैसे मैंने ही काफ़ी बच्चों को पहले बताया कि भैया वहाँ पे इतना काम करना पड़ेगा इतनी फीस है तो कहते नहीं जी हमें तो किसी ने इतनी बताई थी फिर उसी के पास जाते हैं जी। और जाने के बाद फिर मुझे इंग्लैंड में भी मिले कि सर आपने सही बताया था हमने उस टाइम हम ए, समझ, में नहीं, समझ में नहीं आया अब समझ में आया जी। तो ये बताओ जैसे जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाएं वहां की पढ़ाई कितनी मुश्किल है और आजकल किस फील्ड में स्कोप ज्यादा है एक तो से एक ऐसा फील्ड है जिसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा जी। हमारे बच्चे वहाँ आईटी में जा सकते हैं फिजिक्स टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स मैथ टीचर्स ये तीन तो ऐसे टीचिंग प्रोफेशन है जिसकी पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज है जी। बच्चे को क्या करना चाहिए पढ़ाई करने से पहले खुद ये देखना चाहिए आप किस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में एक शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है कि आपकी इस कंट्री में इन इन पोस्टों की शॉर्टेज है जी, आप वही कोर्स करें ताकि आपको उस कंट्री में अगर सेटल्ड होना है तो आपकी सेटलमेंट इजी हो जाए शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड है जैसे हेल्थ केयर में बहुत अच्छी डिमांड है हेल्थ केयर की डिमांड मुझे नहीं लगता यूके में अगले पाँच दस साल तक ख़त्म होगी जी। टीचिंग प्रोफेशन में अच्छी डिमांड है फिजिक्स टीचर की कंप्यूटर टीचर की मैथ टीचर की आईटी में बहुत अच्छी डिमांड है फाइनेंस सेक्टर में अच्छी डिमांड है एक्चुअली टैलेंट तो सबको चाहिए सबको चाहिए ये जो आपने हेल्थ केयर की बात करे थे हेल्थ केयर में मतलब नर्सिंग में फार्मा में या एम में कितना खर्चा जाता है इनका जो बच्चा अगर सात बैंड ले लेता है खासकर एम में का प्रोसीजर है अगर किसी ने एमबीबीएस किया है तो उसको एक टेस्ट करना होता है प्लेब वन और प्लेब टू जी एमबीबीएस के लिए तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस बच्चे ने एम बी बी एस कर लिया इंडिया से अगर किसी बच्चे ने एम कर लिया तो उसके लिए तो इंग्लैंड से अच्छी कहीं दुनिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको प्लेब वन करना है और एक इंग्लिश का टेस्ट देना है आई ई एल टी एस यानी कि इंग्लिश का लेवल ठीक होना चाहिए उसका नहीं तो फिर ओ ई टी भी एक टेस्ट है वो दे सकते हैं जी। और प्लेब टू वहाँ जाके दे सकते हैं वो वहाँ पे सीधे गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं नौकरी के साथ साथ एम डी भी हो जाती है तो डॉक्टर एम बी बी एस के लिए तो दैट इज गुड स्कोप और कोई खर्चा नहीं आता और नर्सिंग का कितना खर्चा नर्सिंग का भी कोई खर्चा नहीं आता क्योंकि नर्सिंग की वहाँ अच्छी डिमांड है बेसरते के वो नर्स जो है वो एक सर्टिफाइड नर्स हो और साथ में उसने इंग्लिश का अपना लेवल अप टू द मार्केट कितनी सैलरी मिल जाती है नर्सिस की बहुत अच्छी सैलरी है फोर्टी थाउजेंड तक जाती है तो यानी कि चालीस एक लाख रुपए साल की सैलरी साल की चालीस लाख रुपए चालीस एक लाख रुपए नर्सिंग की जाती है और जो वहाँ जाके नर्सिंग करना चाहे तो वो कितना महंगा सस्ता है क्या रेट हाँ वो फिर पंद्रह से पच्चीस लाख रुपए साल की फीस आप मान के चलो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कितने साल का कोर्स रहता है वो? थ्री इयर्स का थ्री इयर्स हाँ थ्री इयर्स का नर्सिंग का कोर्स है ठीक है ये तो चलो स्टडी वीज़ा के बारे में बात होगी अब वर्क वीज़ा के बारे में बात करें वर्क वीज़ा कैसे मिले जो बच्चे वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा में सबसे पहले बच्चों को देखो सबसे पहले क्या है कि बच्चे को दिमाग में होनी चाहिए कि आप वर्क वीजा किस बेस पे ले रहे हैं जो जो शॉर्ट ऑक्युपेशंस हैं उन ऑक्यूपेशन्स में आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है आप उसकी पढ़ाई करें यहाँ पे इंडिया में रह के करें, एब्रोड जा जाके करें या वो प्रैक्टिकल सीखें बहुत सारे स्किल्ड बेस भी होते हैं कि जो स्किल्ड करते करते सीख जाते हैं तो जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें स्पॉन्सरशिप इजीली मिल जाती है अच्छी बच्चे लिस्ट ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट मिल जाएगी एस कोड होते हैं उनके कि इस कोड में ये ये कोर्स ये ये पोस्टें आती हैं इसमें ये ये पोस्ट आती हैं और बच्चे सीधा अप्लाई करें क्योंकि वर्क वीजा तो जैसे मेरे पास स्पॉन्सरशिंग लाइसेंस है अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ तो मैं उसी को तो करूंगा ना जो मेरे लिए एसेट हो जी उसके लिए कोई खर्चा नहीं आता जी कोई खर्चा नहीं उसके लिए कोई खर्चा तो, नहीं नहीं तो जैसे एक तो बच्चे जो यहाँ इंजीनियरिंग करें और जो मतलब स्टडी करें एमएससी कर ली एम कर ली एक तो वो उनको वर्क वीजा मिलना कुछ एक लोग हैं जैसे जो भी मैं ट्रक ड्राइवर हूँ या मैं किसान हूँ या मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ मैंने आई टी आई रखी इलेक्ट्रिक है वेल्डिंग है उन दोनों लेवल के लिए बताओ उनको वर्क वीजा का क्या प्रोसेस है उनका जो मैं सजेस्ट करूंगा जो मैं, मुझे ठीक लगता है मतलब मैं ए, कोई बहुत बड़ा इमिग्रेशन एडवाइजर तो नहीं हूं लेकिन जितना मुझे ज्ञान है तो उनके लिए बेस्ट है कि वो यूरोपियन कंट्री में जाएं डिफरेंट डिफरेंट वर्क वीजाज की डिमांड है वहाँ जाके वो अपने स्किल को अपस्किल करें जब एक बच्चा यूरोप के किसी कंट्री में जा करके स्किल्ड हो जाएगा अब हमारा बच्चा अगर दसवीं पास बारहवीं पास उसने कर ली और काम कुछ किया नहीं उसके बाद कहता है जी मुझे यूके में या किसी अच्छे कंट्री में सेटल करवा दो उससे पूछो आपको करना क्या है कि जी काम ही करना है पैसे हुँ। कमाने भाई तुझे पैसे तो कमाने तेरे पास स्किल क्या है इन हैंड जी स्किल्ड तो कोई नहीं है तो फिर कुछ इंटर्नशिप वीजा होते हैं जो स्किल्ड होने के भी दो तरीके हैं एक पढ़ के स्किल होना है एक काम करके स्किल होना है तो काफ़ी पेड इंटर्नशिप वीज़ाज़ हैं यूरोप में उनको उसमें उनको तनख्वाह भी मिलती है साथ में उनको वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है तो उसके बाद उनके स्कोप बढ़ जाते हैं लेकिन हमारा बच्चा तो इलीगल जा करके के कोशिश करना चाहता है बिल्डर के सत्तर पाउंड लेने की अगर उसको एडवाइस करो कि जी आप यूरोप के कंट्री में जाओ वहाँ कोई स्किल्ड ले लो जैसे इंटर्नशिप वीज़ा जर्मनी में निकलते हैं नीदरलैंड में निकलते हैं इधर स्वीडन में हैं नॉर्वे में हैं अपने एग्रीकल्चर में काफ़ी वीज़ा निकलते हैं जर्मनी नीदरलैंड तो बच्चों को चाहिए कि उन कंट्रियों में निकल जाए इस पर इंटर्नशिप वीज़ा पे और धीरे धीरे काम करते करते सीख जाएं या तो वहीं पे वर्क परमिट मिल जाएगा अदरवाइज वो किसी भी कंट्री में वर्क परमिट लेना चाहेंगे जैसे पिगरी है पिग्स फार्म पे काफी इंटर्नशिप आती हैं डेयरी है, है दूध की तो डेयरी में काफ़ी इंटर्नशिप आती हैं होटल मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा स्कोप है तो एक बार यूरोप निकल जाए जहाँ ईजी है जाना वहाँ एक्सपीरियंस ले ले उसके बाद अच्छे कंट्री में फिर ट्रांसफर कर ले अच्छा

थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज चाहिए वो लेने का तरीका ये है कि अगर यहाँ उसने पढ़ाई कर ली यूरोप में इंटर्नशिप कर ली तो वो ईजिली सेटल्ड हो सकता है नॉट ओनली इन यूके वो कनाडा में भी वर्क वीजा ले सकता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी ले सकता है वो अमेरिका में भी ले सकता है वो यूरोप में भी ले सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमने गाइड किया और वो आज सेटल्ड हैं अमेरिका में भी हैं कनाडा में भी हैं यूके में भी हैं जी। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी हैं यूरोप में भी काफी अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने को हमने बताया कि भाई तरीका ये है वो उस तरीके पे चलें तो सही तो सबसे पहले तो किसी को ये बताओ जी आइल्स कर लो वो कहता है जी आइल्स नहीं हो गए जी भाई आइल्स क्यों नहीं हो उन्होंने तो तुम्हारे लिए हिंदी सीखनी नहीं है इंग्लिश तुम्हें ही सीखनी पड़ेगी जी। अब आइल्स का भी क्या है कि अगर कोई डॉक्टर जाना चाहता है कोई नर्स जाना चाहती है तो उसके उन्होंने सेवन बैंड ईच मॉड्यूल रखे हुए है। हैं क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है अगर कोई एक स्पेलिंग गलत होगी कोई एक दवाई गलत दी गई तो गड़बड़ हो जाएगी स्टडी के लिए साढ़े पाँच बैंड रखे हुए हैं वो साढ़े पाँच बैंड इसलिए रखे हुए हैं कि जो टीचर बोल रहा है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा या जो आप के सामने किताब रखी आप उसको पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे फिर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अगर उससे कम इंग्लिश का लेवल है तो नेचुरली है कि वो बच्चा वहाँ डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता और जब डिग्री कंप्लीट नहीं करेगा तो पैसे की वेस्टेज और वो इलीगल होना बहुत सारे चैलेंजेज हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों मेहनत करके आइल्स जरूर करना चाहिए हाँ ये है कि कुछ वीज़ा ऐसे हैं जैसे वर्क वीज़ा हैं कुछ वर्क ऐसे हैं जहाँ आइल्स का लेवल चार बैंड में भी काम चल जाता है जैसे एक हेल्थ में स्पोर्ट केयर वर्कर होते हैं ए, हेल्थ केयर में तो वो अगर चार बैंड का भी है तो उसको कंसीडर करते हैं वो B1 लेवल का आप जो कंपनी चलाते हैं जो वर्क वीजा भी लगवाती है ए, वर्क वीजा नहीं लगवाते हम बेसिकली तो स्टडी वीजा आपका का काम करते हैं लेकिन हम एडवाइज करते हैं वर्क वीजा के लिए कि ये ये स्कोप है जैसे अभी जर्मनी में होटल मैनेजमेंट की वैकेंसीज हैं हमारे पास तो हम बच्चों को जर्मनी में भेज सकते हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हो हमारे पास रेस्टोरेंट में वैकेंसीज हैं हम उसमें कंसल्टेंसी देते हैं उनको गाइड करते हैं okay. कि भाई आज ये स्कोप है हुँ. जैसे बच्चे का पता लग गया भाई इस बच्चे ने होटल मैनेजमेंट किया है हुँ. तो हम उसको जर्मनी में इजिली सेटल कर सकते हैं वर्क परमिट पर और एक बार इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के बाद हुँ. उसको हमारी एडवाइस की जरूरत नहीं रहती जी तो आपसे कैसे संपर्क रहे जो जो यूरोपियन कंट्री में जाना चाहें तो तो हमारी वेबसाइट है डब्लू डब्लू डब्ल्यू किंग्स मीड डॉट यू वो विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे पर तो उसके थ्रू कॉन्टेक्ट हो सकता हाँ है हाँ उसके थ्रू कॉन्टेक्ट हो सकता है बाकी हमारा गुड़गांव में भी ऑफिस है गुड़गांव ऑफिस भी बच्चे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ कहीं करें? भी गुड़गांव में वो वेबसाइट से एड्रेस देख लेंगे डब्ल्यू 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 डॉट किंग्स मीड डॉट यूके वेबसाइट पर जाए उस पर देख लेंगे उस पर एड्रेस वेड्रेस सब लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर है तो जाके स्टाफ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वी कैन गाइड देम अबाउट वर्क परमिट वर्ल्ड वाइड और स्टडी वर्ल्ड वाइड ओके दोनों में आप हाँ दोनों में हम काम करते हैं जी जी तो एक और बताओ आजकल है ना ये चल रहा है कि इंग्लैंड में जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ बच्चों से जो खर्चा है वही वहन नहीं हो पा रहा क्या हालात हैं अभी इंग्लैंड के थोड़ा सा ये बताओ ए देखो महंगाई इंग्लैंड में नहीं ये पूरे संसार में हो रही है जिस भी कंट्री में आप जाओगे हिंदुस्तान में भी महंगाई है जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ भी महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं डीजल के रेट बढ़ रहे हैं ये तो वर्ल्ड वाइड है और दूसरा जैसे यूक्रेन वॉर है रसिया यूक्रेन वॉर है तो इसकी वजह से जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं गैस के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई तो फिर गैस और फ्यूल के बढ़ते ही हर चीज़ बढ़ जाती है इंडिया में भी जैसे डीजल बढ़ता है तो ट्रक वाले किराया बढ़ा देते हैं बस वाले किराया बढ़ा देते हैं ऑटो वाले किराया बढ़ा देते हैं हर चीज़ बढ़ जाती है बाकी ओवरऑल इंग्लिश इकनॉमी मुझे नहीं लगता कि कोई बैड इकोनॉमी है जी गुड और जो बच्चों की प्रॉब्लम चैलेंजेज आ रहे हैं वो उन्हीं को आ रहे हैं जो बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर के उस कंट्री पहुंच गए हैं उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है बाकी जो जेन्यून बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो जॉब करने जा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा ये बताओ तो डायरेक्ट कंपनियों से भी क्या बच्चों को ऑफर लेटर मिल सकते हैं मिले तो क्या तरीका रहता है उसका बिल्कुल ए, ए, वेबसाइट है जैसे इंडीड है उस पर वैकेंसी निकलती हैं और बच्चा डायरेक्ट अप्लाई करे सबसे अच्छी बात है लेकिन हमारा बच्चा रिसर्च नहीं करता वो तो कहता है कि सब कुछ मुझे कोई और करके दे दे पैसे ले ले जबकि इंग्लैंड जैसे कंट्री में पैसे नहीं चलते वहाँ पे आपका नॉलेज चलती है जी। और नॉलेज लेना नहीं चाहते हम कहते हैं कि भैया ये कोर्स कर लो इसकी डिमांड आएगी वहां पे इस कंट्री में हम दो साल पहले बताने लग गए थे पांच साल पहले भी बताई कि जी हेल्थ केयर के कोर्स करो हेल्थ केयर में कोर्स कर लो यूके में डिमांड आएगी आज अच्छी डिमांड है और कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं इंडियन बच्चे बहुत जा रहे हैं जी तो हेल्थ केयर के अलावा और भारतीय बच्चों के लिए किस फील्ड में ज्यादा हो आई में बहुत अच्छा स्कोप है और ये स्कोप कभी खत्म होने वाला नहीं है नॉट ओनली इन यूके ये वर्ल्ड वाइड स्कोप है आई टी में और बच्चों को जो आई में जा रहे हैं

डेढ़ सौ पाउंड डेली से शुरू होते हैं और सात सौ आठ सौ हजार पाउंड तक भी डेली के चार्जेज लेते हैं कंसल्टिंग वाले ऑन एन एवरेज आई मेरे जो फ्रेंडशिप सर्कल में हैं जैसे एक मेरा दोस्त है वो साढ़े सात सौ पाउंड डेली लेता है वेस्टर्न यूपी का है लड़का अरविंद चौधरी जैसे कुलदीप अलावत है हमारे हरियाणा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो एवरेज तीन सौ चार सौ सौ डेली के वो आईटी प्रोफेशनल हैं तो उनकी कंपनी जैसे चार्ज करती है तो वो तीन सौ से 500 सौ पाउंड डेली बेसिस पे है जी। तो आईटी में ठीक है स्कोप और अच्छा पैसा कमा रहे हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं जी और इनके लिए थोड़ा बताओ कि यहाँ सबसे ज्यादा ना आजकल पढ़ाई वाले तो एक तरीका सही जा ही सकते हैं जैसे अमेरिका में डोंकी से जा रहे हैं बच्चे और वो इलीगल तरीके से पनामा से उधर जंगलों में से जाके और यहाँ आजकल इंग्लैंड में भी किसी तरह से इसी तरह से बच्चों में जा रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं प्लम्बर हैं खेती बाड़ी का है उसके लिए बच्चे इलीगल तरीके से पहले सऊदी कंट्रीज़ में जाते हैं फिर वहाँ से जाते हैं ये तरीका कितना गलत है और उन बच्चों में क्या परेशानियाँ आ रहती हैं देखो जी जो बच्चा अगर इस तरीके से जा रहा है तो उसकी तो मैं तो ये कहूँगा कि जिंदगी खराब ही है जी। उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए अगर उसके अंदर कैलिबर नहीं भी है तो उसको पहले कैलिबर पैदा करो एक साल बाद चला जाएगा दो साल बाद चला जाएगा वो स्किल्ड ले और स्किल्ड आदमी बन के जाए लीगली जाए अब उन बच्चों की शादी होनी है ना वो घर आ सकते हैं आ जाएंगे तो जा नहीं सकते हैं तो ये तो आई नॉट सजेस्ट कि ये कोई अच्छी रूट है ऐसे ही जो अमेरिका अमेरिका जा रहे हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं जीवन की जी। आज उनको पैसे की जरूरत है पैसे किसी एजेंट को देंगे फिर जाएंगे बाद में उनको जब पैसे मिल जाएंगे पैसे हो जाएंगे फिर उनको कागज भी चाहिए शादी भी करनी है लाइफ भी चाहिए तो ये तो भ्रमित यूथ है और इसको हम कितना ही समझा लें इनके समझ में भी नहीं आता ना वो तो जा सकते ना घर आते घर आगे तो फिर वापस नहीं वापस नहीं जा सकते जी। तो इसलिए बच्चों को स्किल्ड होके जाना चाहिए और मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी कंट्री में इलीगल तरीके से ना जाए ना जाए अगर लीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो लीगल के बहुत सारे रास्ते हैं आप खुद रिसर्च करें या हमारे जैसे किसी कंसल्टेंट से सलाह कर लें तो वो बता देंगे कि ये अच्छा तरीका इस तरीके से आप जा सकते हैं बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं और हमारे जो वीडियोज उन उनपे कमेंट भी आते हैं भी वो कोई दुबई में काम कर रहा है कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है तो वो वहां पर नौकरी कर रहे हैं और वो इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाह रहे हैं उनके लिए क्या तरीका है उनके लिए भी वही तरीका है अच्छी बात यह है कि दुबई और सऊदी में जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो स्किल्ड तो हो चुके हैं जी। क्योंकि जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं अब हमारे यहाँ का बच्चा तो प्लस टू कर ली या ग्रेजुएशन कर ली उससे अगर ये पूछो आप क्या करते हो तो वो कहता कुछ नहीं क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं है कम से कम जो दुबई या सऊदी बच्चा चला गया है तो उसके लिए तो ठीक ठीक स्कोप है उसके एक पास एक अपना एक्सपीरियंस है वो अपने फील्ड में इन पे पर अप्लाई करे जॉब ढूंढे और नहीं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकता है जी आखिर में और क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से क्या संदेश यूथ को देना चाहोगे मैं यूथ को ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों मेरे बच्चों इस इलीगल तरीके से किसी कंट्री में घुसने से बच जाओ यही जिंदगी है ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी बिल्कुल और लीगल जाओ किसी भी तरीके से जाओ जहां भी जाओ लीगल जाओ शान से रहो ठोक के जियो जी। फकर से जियो तब दिल करे घर आओ तब दिल करे दोबारा काम पे जाओ जी बहुत बढ़िया थैंक साहब बड़े विस्तार से आपने सभी मुद्दों पर बात रखी और इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू ये थे सज्जन देशवाल जी हरियाणा के जींद जिले के गांगुली गांव में जन्मे और इंग्लैंड में बड़ा नाम कमाया है और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो जानकारी वाली वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे मैं आपका दोस्त करमपाल धन्यवाद